नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर, जहां पर अभी अभी एक बड़ा हादसा हो जाता है और किस तरह से एक बड़ा, आप देख सकते हैं जो कैंटर है, बड़ा ट्रक कैंटर है, वो किस तरह से दूसरी तरफ आकर किस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बिजली के पोल को भी उसने टक्कर मार दी। अल्फा इंटरनेशनल सिटी के सामने बड़ा हादसा हुआ है और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। जानकारी मिली है कि कोरसेंट से भरा हुआ रेता, जो कोरसेंट होता है, उससे भरा हुआ जो एक बड़ा कंटेनर ट्रक था, वो किस तरह से यमुनानगर से दिल्ली की तरफ जा रहा था और साइड में आकर दूसरी तरफ आ जाता है। गनीमत यह रही कि कोई गाड़ी सामने से नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाईवे के बीचों बीच की जो सारी रेलिंग है, रेलिंग को तोड़ता हुआ एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। रोड पर जाम जैसे हालात जो है देखे जा सकते हैं और एक बड़ा हादसा हुआ है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय नेशनल हाईवे करनाल पर आप देख सकते हैं कि एक बड़े डिवाइडर को तोड़ते हुए, सभी रेलिंग को तोड़ते हुए ये जो एक बड़ा ट्रक है, बड़ा कैंटर है जिसमें कोरसेंट भरा हुआ है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिजली के पोल को तोड़ते हुए, रेलिंग को तोड़ते हुए दूसरी तरफ आ जाता है। हालांकि ये यमुनानगर से दिल्ली की तरफ जा रहा था, लेकिन दिल्ली से यमुनानगर वाली रूट पर आ जाता है और किस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि कोई गाड़ी का जो चालक था या कोई गाड़ी थी वो इसके नीचे नहीं आई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि नुकसान हालांकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूर हुआ है। रेलिंग बीच की टूट गई है, बिजली का पोल आप देख सकते हैं इस समय बीचों बीच जो है हाईवे पर, बिजली का पोल, जो लाइट का पोल है वो यहाँ पर टूटा हुआ है, स्ट्रीट लाइट का, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवे करनाल पर अभी अभी हादसा हुआ है, नेशनल हाईवे करनाल पर अभी अभी हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जो चालक है वो भी यहाँ पर मौजूद है और इसका कहना है कि किसी बस ने इसको साइड मारी, जिसके बाद जो है ये दूसरी तरफ जो है आ जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोरसेंट से भरा हुआ बताया जा रहा है और नेशनल हाईवे करनाल पर हादसा हुआ है। जो चालक है वो यहाँ पर मौजूद है। भैया, कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कैसे हादसा हुआ, बताओ। वैसे सब ठीक है? अरे सब कुछ ठीक ठाक है भाई साहब, आप देख रहे हो सब कुछ ठीक ठाक है। अब घटे पे टांगा आ रहे हो, अब क्या करें। तो यमुनानगर से जा रहे थे, आप यमुनानगर से जा रहे थे, कोरसेंट भरा हुआ है और कहीं ना कहीं अपनी गलती छुपाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि सुरक्षित है। अगर इतने बड़े कैंटर के सामने कोई गाड़ी आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्ट्रीट लाइट्स के पोल थे उसको जो है तोड़ दिया जाता है। और ये लाइव तस्वीरें इस समय नेशनल हाईवे करनाल से आप देख सकते हैं। इस समय हाईवे अथॉरिटी से लोग हैं, आप हाईवे अथॉरिटी से हैं सर? हाँ जी। क्या हादसा हुआ है, क्या पता चला था? ये लाइट राइट हैंड साइड से आ रहा था, तो इसकी पता नहीं ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, पुलिस क्या चेक करेगी आके, पर इसने रॉन्ग साइड बिल्कुल इस डायरेक्शन में ले गया और मेटल बीम, क्रैश बैरियर इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइट सारी उखाड़ दिए। तो एमबीसी भी था कि ये बच गया, वरने उस डायरेक्शन के व्हीकल को भी काफी हर्ट करता। तो लगता है कि सामने कोई गाड़ियां नहीं आ रही थी तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एमबीसी भी फ्लेक्सिबल इन नेचर है तो इसने बचा लिया इसको। तो पुलिस को जानकारी दी, इलास्टिसिटी, हाँ पुलिस को जानकारी दे दी है। तो पुलिस को जानकारी दे दी है, हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। काफी ज्यादा नुकसान की खबर है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो एक बिजली का बड़ा पोल है वो भी हाईवे के बीचों बीच गिर जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय नेशनल हाईवे करनाल से आप देख रहे थे, जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक कोरसेट से भरा हुआ बड़ा एक कैंटर ट्रक है वो किस तरह से दूसरी तरफ आ जाता है। हालांकि वो यमुनानगर से दिल्ली की तरफ जा रहा था, लेकिन दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ आ जाता है। गनीमत यह रही कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। सबसे पहले हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। नेशनल हाईवे करनाल पर यह हादसा हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं। हाईवे पर चलते समय सावधानी जरूर बरते, कहीं ना कहीं गलती जरूर रही है। जो कैंटर, जो बड़ा ट्रक का चालक है, उसकी गलती जरूर देखने को मिली है, जिस कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं कि कोरसेट से भरा हुआ बताया जा रहा है, जो यमुनानगर से दिल्ली की तरफ जा रहा था, लेकिन इतनी बड़ी हैवी रेलिंग्स को तोड़ते हुए, बिजली के पोल्स को तोड़ते हुए दूसरी तरफ आ जाता है। आप ये देख सकते हैं कि दूसरी तरफ ही आ जाता है। हालांकि बड़ा हादसा हुआ है, गनीमत ये रही कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, कि सामने से कोई गाड़ी आ रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। और नेशनल हाईवे करनाल से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर अल्फा इंटरनेशनल सिटी के सामने एक बड़ा हादसा हो जाता है और किस तरह से एक जो कैंटर चालक है, जो बड़ा एक ट्रक का कैंटर है जिसमें कोरसेंट बताया जा रहा है, जो लोड था बड़ा ट्राला, जिसे कहा जाता है कि बड़ा ट्राला था, वहां से आ रहा था यमुनानगर से
करनाल होते हुए दिल्ली से जाना था, लेकिन करनाल हाईवे पर किस तरह से संतुलन बिगड़ जाता है और इस बीच की बड़ी रेलिंग को तोड़ते हुए, बिजली के पोल को तोड़ते हुए, स्ट्रीट लाइट के पोल को तोड़ते हुए दूसरी तरफ आ जाता है। गनीमत यह रही कि सामने से कोई गाड़ी के चपेट में नहीं आया, अगर गाड़ी को टक्कर मारता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये लाइव तस्वीर इस समय करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।